हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव योर लाइफ। तो कैसे हो आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं नहा के पूजा करके किचन में आई हूँ और अभी बस बोतल सब धो के इसमें पानी भर लेना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये चैनल अभी मैंने शुरू ही किया है तो अभी थोड़ा मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि खुद में मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा धीमी जाती है। तो अभी मुझे एक्चुअली आता भी नहीं है कि कैसे करूं और क्या क्या शूट करूं, तो थोड़ा टाइम लगेगा बट ये ठीक हो जाएगा ये प्रॉब्लम। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं अपना आवाज़ को लाउड करने के लिए और क्या कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, तो आज है शनिवार। वैसे तो हमारे यहाँ हर शनिवार को खिचड़ी ही बनता है, लेकिन आज मैं आप लोग के लिए स्पेशल मसाला खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बिना स्किप किए ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा खिचड़ी का। और हाँ, खिचड़ी के साथ मैंने चोखा भी बनाया है तो आप लोग भी साथ में चोखा ज़रूर ही बनाइएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं चोखा की तैयारी कर लेती हूँ। उसके लिए 2 बैंगन, 1 टमाटर और 6 कली लहसुन की और 3 हरी मिर्ची ले लिया है। इसको धो के साफ़ कर लिया है। अब इसमें आपको चीरा लगाना है अब चाकू से, और इसके अंदर जो है मिर्ची और लहसुन दोनों को डाल देना है अच्छे से, सारे दोनों बैंगन में मिला के। फिर उसके बाद इसको रोस्ट करना है आग पे। ये देखो ऐसे डालना है, दोनों में डालना है इसमें। अब चूँकि इसका जो स्किन है वो सटे ना, इसके लिए मैंने इसमें ऑयल लगा दिया, मस्टर्ड ऑयल। कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, वैसे मैंने मस्टर्ड ऑयल लगाया है। तो इसको रख देना है गैस पे, इसको उल्टी पलटी करके पका लेना है। तो अब खिचड़ी बनाने के लिए एक कटोरी चावल में मैंने 1 चम्मच मूंग और 2 चम्मच मसूर की दाल ले लिया। इसको अच्छे से धो लेना है, धो के इसको चढ़ा देना है। इसमें मैंने 2 आलू भी डाल दिया है चोखा के लिए, उसमें 1 चम्मच हल्दी और 1-1.5 चम्मच नमक डाल के, और थोड़ा सा इसमें तेल भी डालना है ताकि ये कुकर में सटे ना। और इसको बस चला के इसको ढक देना है कुकर से कम 2 से 3-4 सीटी में। ये खिचड़ी चावल पे भी डिपेंड करता है कौन चावल के आप बना रहे हो। मैंने तो माखन भोग चावल का बनाया है। तो चारों तरफ से घुमा घुमा के इसको मैंने सेक लिया है। ये हो गया कंप्लीट, खिचड़ी भी बन गई है। गैस ऑफ कर दिया। अब इसको इसके छिलके उतार देने हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि खिचड़ी मैं बना रही हूँ इस मसालेदार खिचड़ी, तो चोखा थोड़ा सा कम मसाला इसमें, मतलब एकदम लाइट चोखा बनेगा, काफ़ी टेस्टी बनता है ये चोखा। इसको इस चोखे को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो इसको चेक कर लेना है कि इसमें किसी तरह का कोई कीड़ा ना हो, क्योंकि बैगन में अक्सर मिल जाता है कीड़ा, लेकिन मेरे वाला में अभी तो नहीं मिला। अब इसको बाउल में ट्रांसफ़र करके और इसको अच्छे से अपने हाथों से या मैसर से अच्छे से मैश कर लेना है। इसमें 1 चम्मच नमक अपने स्वाद के अनुसार, जैसा आपका जितना आपका क्वांटिटी है, और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है। इससे टेस्ट में और भी अच्छा लगता है खाने में सरसों का तेल से। और इसमें अब ऊपर से मैंने डाल दिया धनिया का पत्ता, ये तो और भी अच्छा टेस्ट लाता है चोखे में। बस ये मेरा चोखा हो गया बैंगन और टमाटर का डन। अब मैं बना रही हूँ खिचड़ी, जो मैंने अभी कुकर में पका लिया खिचड़ी, उसका तड़का लगाना है। तो तड़का लगाने के लिए फ्रेंड्स मैंने मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ किया है। आप लोग इसमें शुद्ध घी भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल, वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट लाता है।
तो इसमें सबसे पहले जीरा डालना है और हरी मिर्च को, 3 हरी मिर्च डाला है और लहसुन को चॉप करके इसमें डालना है। आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं, मेरे पास हींग नहीं है, हींग से और भी अच्छा स्वाद आता है, मेरे पास हींग नहीं है। इसमें डाल दिया है 1 चॉप्ड ऑनियन और ये मैंने डाला है फ्रोज़न मटर। अभी तो सीज़न भी नहीं है, लेकिन अगर सीज़न रहे तो गोभी, मटर, गाजर, आप ग्रीन वेजिटेबल भी कुछ डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया नमक और इसे ढक दिया है, क्योंकि मटर है ना थोड़ा सा सीजने में टाइम लगता है। इसे बीच बीच में चला भी लें और उसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, इसे अच्छे से चला लें और उसके बाद इसमें डाल दें टमाटर, 1 टमाटर डाला, ज़्यादा टमाटर नहीं तो खट्टा हो जाएगा। जब टमाटर थोड़ा पक जाए तो इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दें और चला लें। अब इसके बाद मैंने डाल दिया है खिचड़ी। इसी स्टेज पर आप अपना पानी और नमक चेक कर सकते हैं कि कितना डालना उचित रहेगा, कि किस तरह का आपको खाना है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है और थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल दिया है। अच्छे से चला लें। अब देखिए हमारी खिचड़ी हो गई है तैयार खाने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा जो है इसमें गार्निशिंग कर देना है धनिया पत्ता से। वाओ, सो यमी खिचड़ी। तो अब खिचड़ी के साथ साथ तो हमारे यहाँ बनता है फ्राइम्स, चिप्स वगैरह और चोखा, दही, अचार, ये सारे जो है खिचड़ी के सिंगार होते हैं। और हाँ, पापड़ तो ज़रूर ही। और ये बनाया मैंने आलू का चोखा, बहुत ही सिंपल बनाया क्योंकि खिचड़ी काफ़ी मसालेदार है तो चोखा को सिंपल ही रखा है। ये लीजिए थाली तैयार। आप लोग ज़रूर बना के बताइएगा कैसा बना है कमेंट बॉक्स में, बहुत ज़रूरी है आपका कमेंट हमारे लिए। प्लीज़ लाइक करिए,